अभी आपके घर में मुख्तार अंसारी घुस जाएं और उनको निकालना हो तो पुलिस वाला कह सकता है कि भाई ये तो सिविल का मामला है आप चले जाइए कोर्ट में जाइए यहाँ जाइए वहाँ जाइए और जो दायित्व तो बोध होएगा वो आगे पता करेगा कि तो इनका घर है और फलाना फा, का और ये जबरदस्ती घुसा है तो हम अपने बल का प्रयोग करेंगे उनके साथ भले वो कानून की सीमा का उल्लंघन भी करना पड़े लेकिन वो अन्याय कर रहे हैं तो मैं कहूँगा कि आप तो निकलो बाहर नहीं तो ठीक नहीं होगा तुरंत तो छोड़ देंगे होगा इसको पाने के लिए आपको माननीय उच्च सर्वोच्च न्यायालय तक जाना पड़ेगा अगर मुकदमा आप लड़ोगे सामान्य आदमी तो ये पुलिस वाला कर सकता है और रोते की काश्र पूछ सकता है हम तो अपने लोगों से कहा करते थे कि भाई देखिए जो रियल कंज्यूमर अपना है जब आपके पास आता है तो रियल कंज्यूमर पुलिस का कौन है रियल कंज्यूमर वही है जो अपनी शिकायत न कर पाए संतरी भगा दे तो फिर तीन दिन बाद लौट के आए जो अपना प्रार्थना पत्र न लिख पाए बाकी प्रधान जी की और एम साहब की और एम साहब की, की और पत्रकार साहब की एस सी साहब की तो आपको सुनना ही पड़ेगा वो गलत भी कहेंगे तो भी सुनना पड़ेगा कि भाई अब जान रहे हैं कि वो गलती है उनका पक्ष तो भी आप जाँच करेंगे रिपोर्ट देंगे मैंने लेकिन रियल कंज्यूमर वही है जिस दिन पुलिस अपना काम करने लगी रियल कंज्यूमर्स को सुनने लगी तो सबसे बड़ा तो आत्मसंतुष्ट होता है भाई साहब मैं बताऊँ आपको अपना एक जॉब सेटिस्फेक्शन जो मैं आपसे कह रहा हूँ ना जो आपने पूछा हुआ अभी भी कह रहा हूँ मैं कि पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि अगर अभी भी मुझे कहा जाए तो जा, मैं यूनिफार्म पहन के वो काम करने को तैयार बड़े बड़े नेताओं के मतलब कि इसमें रहें जुड़े रहें नेत क्या नेताओं ने नहीं समझा मैंने तो किसके किसके मतलब किसी आप... बड़े नेताओं के घटनाओं में जुड़ा रहा आपने मैंने मैं सीबीआई में जब डिपुटेशन पर गया तो वैसे तो मैंने एक मिनिस्टर को भी बंद किया था मुलायम सिंह जी जब चीफ मिनिस्टर थे तो उनका राज्य मंत्री थे अन्ना शुक्ला तो ये दो हज़ार छः सात की बात है उस समय लोकल बॉडीज़ के चुनाव हो रहे थे वो गुंडाई बदमाशी कर रहे थे और वो दुराचारी भी हैं इससे सीटर भी हैं वहाँ के थाने के हसनगंज के तो हमने हमको एक अप्लीकेशन मिली मैंने उसको अपने से मुकदमा कायम कराया और उनको गिरफ़्तार कर लिया बिना किसी को बताए हुए और फिर वो आ, लेकिन बाद में जो भी अब मुख्यमंत्री जी या जिसके भी कहने से फिर उनको थाने से जमानत दी गई जबकि वो मामला थाने से जमानत योग्य नहीं था लेकिन ठीक है हुई कोई बात है उसमें मेरा अधिकार नहीं था कानून सी आर सी आर पी में मैं, मुझे अधिकार नहीं था जमानत का अधिकार वरिष्ठ अधिकारी को तो हो गया बहन जी का भी चूंकि जब मैं सिर्फ सी में था तो वहाँ पर आय से अधिक संपत्ति या ताज कॉरिडोर का मामला उनका था उसमें मैं जाँच टीम का सदस्य था और हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने भरोसा रखा मेरे पर तो उनके घर की तलाशी में मैं, मैं सम्मिलित था बहन जी का इंट्रोगेशन करने में पूछताछ करने में उनके भाई बहनों से पूछताछ करने में काशीराम जी के परिवारजनों से पूछताछ करने में रोपड़ में वो ट्रांसलेटर लेके गया था मैंने गुरुमुखी का और वहाँ उनसे पूछताछ किया और पूरी इन्वेस्टिगेशन को एक दिशा दी गई और उसी का फिर प्रतिफल ये मिला कि जब मैं एस में था यहाँ पर तो उस समय बहन जी ही थी जब ये घटना घटित हुई नदुआ ठोकिया वाले जो है यहाँ चीफ मिनिस्टर थी तो उन्होंने फिर अपना मुझे नाराज होकर के निलंबित किया और पहले तो ट्रांसफर्स किए मतलब मैं एसटीएफ से मुझे प्रतापगढ़ प्रतापगढ़ से फिर एसआईटी एसआईटी से फिर उन्नाव जनपद उन्नाव जनपद से फिर मुझे तेईस वटेलिंट पी मुरादाबाद जब मैं वहाँ पहुँचा तब तो मुझे वहाँ सस्पेंड किया गया और ये कह के कि आपके सुपरविज़न में कमी थी इस कारण वो घटना घटित हो गई तो तब तत्कालीन वरिष्ठ लोगों ने बताया मुझे कि भाई कोई कुछ कर नहीं सकता क्योंकि चीफ मिनिस्टर स्वयं इसमें इंटरेस्टेड हैं इसलिए हम लोग माने कोई भी कुछ नहीं कर सकता तो हमने अपना न्यायालय का रास्ता चुना और हाई कोर्ट में हमने याचिका दाखिल की तो माननीय उच्च न्यायालय ने हमारी रिट को पढ़ के ही उस पर एंट्री मॉर्डर दे दिया हमारा सस्पेंशन स्टे कर दिया फर्स्ट हियरिंग पर ही केवल रिट पढ़ के उसमें जो मैंने लिखा था तथ्यात्मक बातें कि हमने तलाशी लिया हमने उनको बयान उनका किया हमको जो मेडल मिला है प्रेसिडेंट मेडल उसमें भी ये साइटेशन में है कि हमने ये केस किया खैर तो हो गया स्टे लेकिन उस समय मायावती जी चीफ मिनिस्टर थी तो उन्होंने उसको फिर सुप्रीम कोर्ट में उस एंट्रीम आर्डर के आगे एस एल पी दाखिल कराई वो एस एल पी वहाँ चलती रही और आप समझ लो कि एस एल पी में भारत के बड़े बड़े जो नामी वकील लोग हैं उनको उन्होंने इंगेज किया पी पी राव का नाम आपने सुना होगा संविधानविद हैं जो जिनसे कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी लोग सलाह लेते हैं तो हाँ लोकसभा का को भी कोई बुला गया था पी पी राव साहब मेरे खिलाफ खड़े किए गए थे गवर्नमेंट की तरफ से जबकि इतने गवर्नमेंट के लेकिन ईश्वर कृपा हुई वो पहली एसेल्फी सुप्रीम कोर्ट ने यह क्या कि कहा कि हाई कोर्ट से कि इनकी रिट को आप फाइनली जल्दी डिसाइड कर दीजिए जिसमें एंट्री मार्डर हुआ था कि मतलब सस्पेंशन स्टे किया जाता है बाकी आप अपना करिए तो फिर हाई कोर्ट ने बुला के कहा ओपन कोर्ट में गवर्नमेंट एडवोकेट से कि इस अफसर को आप बहाल कर दीजिए अपने चीफ मिनिस्टर से कहिए लेकिन किसकी हिम्मत थी कि उनसे कहता और वो मैं बहाल वहाल नहीं हुआ फिर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया अपना दोनों तरफ की बहस करके उसमें तीन लाख रुपए का जुर्माना लगाया वो हिस्टोरिकल केस है पूरे इंडिया का तीन लाख रुपए का गवर्नमेंट को जुर्माना मेरा सस्पेंशन क्वेस्ट चार्जशीट क्वैस् सारी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी क्वेश्च लेकिन मायावती जी ने तभी बहाल नहीं किया उसके अगेंस्ट फिर वो सुप्रीम कोर्ट गई वो एस चली पंद्रह जून में जाके सुप्रीम कोर्ट से खारिज हुई हालांकि बीच में उनकी सरकार जब चली गई बारह या तेरह में तो बहुत है ये इनकी सरकार आ गई थी दूसरी सरकार तो जो उस समय डीजी थे उन्होंने लिख के दिया कि साहब ये गलत है इस अफसर के साथ जाति हो रही है तो उस समय मुझे बहाल किया गया लेकिन कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन सब कुछ रहेगा लेकिन प्रभु की कृपा से मैं अक्टूबर में रिटायर हुआ पंद्रह में तो पंद्रह अप्रैल में ही सुप्रीम कोर्ट ने एसेल्फी खारिज कर दिया और अपना मैंने सब कुछ तो अभी उसी में है ना अतीक है? तो उन्हीं के में चलता था उन्हीं के हाँ, हाँ था। था। तो बिल्कुल 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 चलता था अतीक तो, तो देखिए दोनों तरफ रहा ना उसको तो जहाँ अवसर मिल जाए जिस तरह का अपराधी तो अपना अपने लाभ के लिए इधर से उधर रहते हैं माने जहाँ वो तो पोलिटिकल गेन करना चाहते हैं समझ गया आप ना अब किसी देखिए कभी एक आदमी का वो हो ही नहीं सकता कोई अपराधी हम अतीक की बात नहीं कर रहे हैं अपराधी तो समझ लीजिए कि कोई किसी व्यक्ति के साथ आप कुछ करोगे दो दो कदम चलोगे तो अपने बच्चे को बता के जाएगा कि भाई इनका ये एहसान है पांच कदम चलना चाहिए इनके साथ और अपराधी तो अभी आप उसके काम के हो तो ठीक है नहीं तो एक किक आपको मारेगा उसमें देर नहीं लगेगी चाहे कोई पार्टी हो कोई, कोई हो कोई आदमी हो माने अपराधी कभी किसी का होता नहीं लेकिन ये पॉलिटिशियंस इनका प्रयोग करते हैं कि वो उनका प्रयोग करते हैं अभी तो समय बताएगा नौकरी कार्य में मावती आपको लग रहा है परेशान की नहीं पॉलिटिकल तो बहुत कुछ हुआ मेरे साथ तो मुझे कांग्रेस के हमारे जितने ट्रांसफोर्स हुए सब इंस्पेक्टर रहा तो चीफ मिनिस्टर लेवल से मेरे तबादले होते थे मैं अब बताऊंगा लेकिन अब वो एक एक इंसान बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा मैंने समझ गया अपना लेकिन मायावती जी ने हमें निलंबन का चार साल दो दिन में निलंबन रहा उसी मामले में जो लोग लो हमारे साथ मरे थे उनको राष्ट्रपति का वीरता पदक मिला और हमारा भी राष्ट्रपति का वीरता पदक ता जब डीजी थे उस समय श्री अरविंद कुमार जैन और कमेटी तो उन्होंने उन्होंने गवर्नमेंट ने भेजा जो वहाँ गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में होम तक गया उसके बाद मुझे पता नहीं होम जब रिकमेंड करता है तब मिलता है वो तो वो होम में जाके फिर रुक गया मैंने तो ये है पूरा पूरा मायावती से आपका पंगा दुख देता है कि निष्ठापूर्वक काम करने के बावजूद आपको चार साल दो महीने